लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम वीबीए में डिसीजंस ले सकते हैं यूजिंग इफ एंड केस, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लूपिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लूपिंग में हम लोग देखेंगे तीन तरीके का लूपिंग। द फर्स्ट लूप इज द फॉर लूप, जो सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर। सेकेंड देखेंगे, इसको फॉर भी बोल सकते हैं और फॉर के साथ इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट, फॉर नेक्स्ट लूप। सेकेंड लूप हो गया व्हाइल व्हेन। थर्ड लूप हो गया फॉर ईच, और फॉर ईच के साथ भी नेक्स्ट लगेगा। ये तीन मेजर लूप्स है। अब लूप का काम क्या होता है, एक ही काम को बार बार करने के लिए लूप यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने मान लीजिए हेलो लिखा हुआ है, रेंज A1 में हेलो लिखा हुआ है, तो हमने क्या कोड लिखा है, वर्कशीट्स 1.range A1 = hello। अब यही काम मुझे 10 शीट पे करना है, सेम काम मुझे 10 शीट पे करना, सेम काम, तो फिर क्या करूंगा, 10 लाइन का कोड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लूप और लूप के अंदर उसको चला दूंगा। तो लूप क्या करेगा, एक ही काम को बार बार करेगा। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें लूप को चूज करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में कौन सा लूप यूज होगा, इस सिचुएशन में कौन सा लूप यूज होगा, या इस सिचुएशन में कौन सा लूप होगा। हो सकता है किसी सिचुएशन में तीनों लूप यूज हो, तो आपको डिसाइड करना है, ये इफ और केस की तरह है, आपको डिसाइड करना आपके लिए इजी कौन सा हो रहा है। तो अब देखिए, सबसे जो पॉपुलर लूप है वो फॉर नेक्स्ट है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। फॉर नेक्स्ट को हम कब यूज करते हैं, जब आपको स्टार्ट और एंड पता है, स्टार्ट और एंड पता है, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है 1 से लेके 3, या 5 से लेके 10, या 10 से लेके 1, मतलब आपको स्टार्ट और एंड पता, उल्टा भी हो सकता है। जब भी आपको ये पता है, क्योंकि फॉर के लिए दो चीज चाहिए, एक तो स्टार्ट पोजीशन चाहिए, एक एंड पोजीशन चाहिए, और स्टार्ट और एंड आप किसी कैलकुलेशन के थ्रू भी ला सकते हो, तो उनको चाहिए स्टार्ट और एंड। अगर उनको स्टार्ट और एंड मिल जाएगा तो फॉर लूप चल जाएगा। ये हो गया आपके फॉर लूप। जैसे मुझे फर्स्ट सीट से 10th सीट तक जाना है, या सेल फर्स्ट रो से 10th रो में जाना है, इस तरह के केसेस में हमें क्या करना है, हमें यूज करना है फॉर नेक्स्ट लूप, फॉर लूप। अब व्हाइल और व्हेन लूप, व्हाइल फॉर को बंद करते हैं नेक्स्ट से, जैसे इफ को बंद करते एंड इफ से, सिलेक्ट को बंद करते एंड सिलेक्ट से, वैसे व्हाइल को बंद करते हैं व्हेन से। अब ये कब यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं जब आपको स्टार्ट पता है और एंड का कंडीशन पता है। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन, एंड नहीं पता है, एंड का कंडीशन पता है कि स्टार्ट तो हो फर्स्ट सीट से, बट जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो तब तक चलते जाओ, हर एक सीट में जाओ, हर एक सीट में जाओ। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है किसी चीज में, वहां से निकल के आ जाओ। ये होता है व्हाइल एंड व्हेन। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझे स्टार्ट करना है फर्स्ट सीट से स्टार्ट करना है और जाना है व्हेन द वैल्यू, या व्हेन द टोटल, समथिंग कुछ भी हम कहें, व्हेन द टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500। मान लीजिए कुछ ऐसा हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब तक 500 से ज्यादा ना हो तब तक फर्स्ट सीट नेक्स्ट सीट थर्ड सीट में चलते जाओ, कुछ ऐसा कंडीशन। या फर्स्ट या सेकेंड रो से स्टार्ट हो और कब तक चले, सॉरी सेकेंड रो से स्टार्ट हो और कब तक चले, जब तक लास्ट ब्लैंक रो ना आ जाए, या लास्ट नॉन ब्लैंक रो। इसमें क्या है कि कंडीशन हमने दिया है, इसमें यह नहीं दिया है कि कब तक जाना है, हमने कंडीशन दिया है जब तक ब्लैंक ना हो तब तक चलते जाओ। इन सब सारे केसेस में हम व्हाइल और व्हेन यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप बोलोगे कि ये क्या, इसमें फॉर यूज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, हमें पता है स्टार्टिंग क्या है और हमें यह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट ब्लैंक रो क्या है, 5th रो है मान लीजिए लास्ट ब्लैंक, तो 2 से लेके 5 तक चलेगा, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि आपको सिंपल कौन सा लगता है। फॉर ईच वाला अभी नहीं कवर करते, फॉर ईच वाला हम नेक्स्ट स्टेज पे करेंगे, दोनों को करने के बाद फिर फॉर ईच में मैं जाऊंगा, पहले इन दोनों को करते एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ। चलिए, सो मैं एक फाइल ओपन करता हूं। अब ये देखिए, ये फाइल है मेरे पास और इस फाइल में अभी कुछ भी नहीं है, नथिंग, ब्लैंक शीट से इसमें। अब इसमें करना क्या है कि मुझे यहां पर रेंज A1 में, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने शीट्स है, देयर आर अराउंड 50 शीट्स।
और 50 सीट्स में किसी भी सीट में कुछ भी नहीं है, नथिंग। हमें क्या करना है कि हर एक सीट में यहां पर हेलो लिखना है, बस यही काम है। अब आप बताओ, शीट वन में अगर मुझे हेलो लिखना है तो जो डेटा एंट्री वाले पार्ट में हमने जो कवर किया था उसके अकॉर्डिंग क्या कोड होगा? मैं मॉड्यूल बनाता हूं, सीट वन के रेंज A1 में अगर कुछ मुझे लिखना है, बताइए शीट वन के रेंज A1 तो कैसे लिखें? डीमैक्स रेंज। अच्छा, अगर वेरिएबल को अभी यूज ना करें, मान लीजिए वेरिएबल को, क्योंकि हमें शीट वन में एक ही रेंज में A1 लिखना है, हम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं अभी वेरिएबल को मानकर चलता हूं कि अभी नहीं यूज करना, तो कैसे करेंगे? वर्कशीट्स, फर्स्ट शीट में जाना है तो वन लिखूंगा, लिखूंगा ना डॉट रेंज A1, बिल्कुल इज इक्वल टू हेलो। यस, बस हेलो, ये हो गया। अब अगर यही चीज सेकेंड शीट में लिखना है तो मुझे यहां पर 2 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब देखिए, अब मुझे कहां से कहां तक जाना है, बताइए कहां से कहां तक जाना है, सेम काम को कहां से कहां तक करना है, 1 से लेके 50 में भी 50 तक, बिल्कुल ना है 50 तक, क्योंकि हमें पता है कि ये 50 बार चलेगा। अब ये बताइए 1, 2, 3, 4 ये क्या है? स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है? क्या है 1, 2, 3, 4? 1 से लेके 50 जो है वो क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, बिल्कुल डीम आई एज इंटीजर मान लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या, अब यहां पर लूप स्टार्ट होगा। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है, फॉर आई इक्वल्स टू 1, 2, 1 से लेके कब तक? 50, बस ये लिख दीजिए। और यहां पर 1 की जगह क्या आ जाएगा? आई। और फॉर को बंद करते हैं, नेक्स्ट से, बस काम हो गया। 50 लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं, हो गया काम। अब इसको रन करते, देखिए इसको रन कर दिया, बस काम खत्म हो गया। देखिए फर्स्ट सेकंड सब में, देखिए सब में हेलो आ गया। एक ही काम को हमने कर दिया यूजिंग लूप। अब देखिए ये है स्ट्रक्चर फॉर का, स्टार्ट से लेके एंड होगा, और जो आपने वेरिएबल लिया उसको अपने जगह पे प्लेस कर दीजिए। जैसे यहां पर हमने वर्कशीट पे प्लेस किया, कहीं पर कुछ अलग जगह पे भी पेस्ट हो सकता है। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें डिसाइड करना है कि जो हमने लूप स्टार्ट किया है ये लूप कहां पर बैठेगा। तो ये ऑब्वियसली हर एक शीट पे जा रहा है, तो सीट के काउंट में ही पड़ेगा लूप, ये है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अलग लेवल पे देखते हैं। अब लेट अस सपोज मुझे क्या करना है, यहां पर अगर सीट बढ़ गया, कल के दिन मान लीजिए अगर 3 सीट बढ़ गया, तो उसको कैसे टेक केयर करें? अभी क्या होगा, अगर 3 सीट्स बढ़ जाता है तो आपको कोड में चेंजेस करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कोड में चेंजेस ना करूं, कोड एक वन टाइम लिखूं, और उसके बाद अगर कोई शीट बढ़ जाता है, लेट सपोज 51 और एक और सीट कर लेता हूं 52, 2 सीट्स बढ़ गया। अब मैं कोई कोड ऐसा लिखना चाहता हूं जिसमें दोनों में, मतलब सब में आ जाए। अब देखिए स्टार्टिंग तो मेरा हो गया, ये 50 को मुझे कस्टमाइज करना है सर। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हमें कोई एक ऐसा टेक्निक ढूंढना पड़ेगा जिसमें यह पता चल जाए कि कितने शीट्स हैं यहां पर, वही तो मेजर हो गया ना, कितने शीट्स हैं। राइट, अब एक्सेल में एक ऑप्शन होता है, एक फंक्शन होता है एक्सेल में शीट्स करके, ओके एक्सेल में एक फंक्शन होता है शीट्स करके, बट वीबीए में इसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो वीबीए में अब आप बताओ हमारा ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है, फिर से बताइए ऑब्जेक्ट कौन कौन से है? वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, यही तो है ना? यस सर। अब वर्कशीट्स का काउंट, वर्कशीट्स क्या है बताइए? वर्कशीट्स हमने कलेक्शन पढ़ा था, वर्कबुक्स और वर्कशीट्स, वर्कशीट्स किस चीज का कलेक्शन है? वर्कशीट्स वर्कबुक का, वर्कबुक नहीं, वर्कबुक्स है वर्कबुक का, और वर्कशीट्स है वर्कशीट का, वर्कशीट का, ओके। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी होता है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जस्ट यहां पर मैं इमीडिएट विंडो में दिखाना चाहता हूं। देखिए वर्कशीट्स, इसका भी अपने प्रॉपर्टी मेथड होते हैं ना, वर्कशीट्स डॉट काउंट एक प्रॉपर्टी होता है कि इस फाइल में कितने शीट्स हैं, तो ये बता रहा है 52, सेम चीज जो उधर हमने एक्सेल में किया है। तो यहां पर 50 की जगह क्या कर दूंगा, वर्कशीट्स डॉट काउंट, बस डन, ये है। तो वर्कशीट्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, वर्कशीट्स डॉट काउंट का मतलब प्रॉपर्टी मेथड है, वर्कशीट्स ऐड करना मेथड हो गया, वर्कशीट्स का काउंट निकालना प्रॉपर्टी हो गया,
तो ये धीरे 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 जैसे हम यूज करते जाएंगे ये सिंटेक्स आपको पता चलता रहेगा। अब ये हो गया worksheet.count। अब देखिए इसको चलाता हूं मैं, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, जितने भी शीट्स ऐड होंगे तो अब कोई फर्क नहीं है, डायनेमिक बन गया। तो इस तरह से, क्योंकि फॉर लूप अभी हम समझ रहे, तो ये समझ लीजिए कि फॉर लूप में हमें स्टार्ट और एंड चाहिए बस। अब एंड के लिए भी कोई लॉजिक लगा सकते हैं और स्टार्ट के लिए भी कोई लॉजिक लगा सकते हैं। एंड के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया कि जितने भी शीट्स है इसमें वो काउंट बता दो, बस हो गया उसका निकल गया। नाउ अब है तीसरा सिचुएशन। अब तीसरा सिचुएशन क्या है कि मैं लूप तो चलाना चाहता हूं बट एक एक शीट को छोड़ के ऑल्टरनेट शीट पे चाहता हूं। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले ना इसको मैं क्लियर कर लेता हूं, मैं इसको ऐसे करके क्लियर कर लूंगा तो हर एक सीट में पूरा डेटा क्लियर हो गया। देखिए आप, कोई डेटा नहीं है, डबल कोट्स कर दिया है तो क्लियर हो गया हर एक सीट में जाके। अब मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट के बाद थर्ड में करना है, थर्ड के बाद फिफ्थ में करना है, फिफ्थ के बाद सेवंथ में करना है, ऐसा करना है। लूप लास्ट तक चलेगा बट ऑल्टरनेट सीट पे जाएगा, एक एक छोड़ के जाएगा। अभी आप बताइए कितना प्लस हो रहा है, अभी जो इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस कितना हो रहा है, प्लस वन हो रहा है, वन हो रहा है, हमें करना है प्लस टू। प्लस एक लॉजिक है यहां पर, जब आप लूप लिख दो एक से लेके दस तक मान लीजिए, या एक फर्स्ट से लेके लास्ट तक, उसके बाद लिख दीजिए स्टेप टू, बस और कुछ नहीं करने की जरूरत, स्टेप टू। स्टेप थ्री कर सकते हैं, स्टेप फोर कर सकते हैं। सो स्टेप टू मतलब एक एक को प्लस करेंगे, स्टेप टू का मतलब कि देखिए वन से स्टार्ट हुआ है, वन के बाद टू करेंगे तो थर्ड में जाएगा, अगर मैं फाइव से स्टार्ट करता हूं तो फाइव के बाद सेवन में जाएगा। ओके, सो सिमिलरली स्टेप थ्री विल बी वन, बिल्कुल बिल्कुल, वन के बाद फोर में चला जाएगा, फोर पे चला जाएगा। ओके सर, गॉट इट। ये है, स्टेप वन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए हमें स्टेप टू से स्टार्ट करना पड़ता है। ओके सर, अब एक बार देखते हैं, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, हेलो लिखूंगा। अब देखिए एक एक छोड़ के करेगा, सो अब देखिए फर्स्ट में गया, सेकंड में छोड़ दिया, थर्ड में गया, फोर्थ में नहीं गया, फिफ्थ में गया, सिक्स में नहीं गया, ऐसे करके एक एक करके एक छोड़ रहा है। इसको इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से कि 10, 12, 15, जो भी है, आपको स्टार्ट एक पॉइंट से करना है और उस पॉइंट से कितना प्लस करते करते जाना है फ्रीक्वेंट इंटरवल में, तो वो फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, ऐसे करके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो। फिर से मैं क्लियर करवा देता हूं सारे सीट्स में। चलो ना, अभी कोई शीट में कुछ नहीं है। अब क्या है कि मैं किसी एक शीट पे ना, शीट नाइन पे एज एन एग्जांपल लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं स्टॉप। ये मैंने कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। तो अब मुझे क्या करना है, लूप तो लास्ट तक चलना है बट बीच में अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए तो बाहर आ जाए। एक से लेके पचास तक जाना है या एक से लेके लास्ट तक पे जाना है, बट उसमें मैं कंडीशन दूंगा अंदर में, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मुझे फिर आगे जाने की जरूरत नहीं, खत्म। सो वी कैन पुट इफ, राइट? या बिल्कुल, इफ डालना है। और ये मैंने स्टॉप का एक एग्जांपल लिया है, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहां पर अभी चेक कराऊंगा कि बी वन में अगर स्टॉप है तो बस बाहर आ जाओ। ये स्टॉप भी हो सकता है, ग्रेटर देन कुछ वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सपायर्ड। मैंने एक एग्जांपल लिया सिर्फ। अब देखिए यहां पर स्टेप वाला हट जाएगा, स्टेप की जरूरत नहीं है। वन टू worksheet.count अब यहां पर करेंगे। अब यहां पर यह है कि आपको एंट्री कहां तक करना है, इसमें एंट्री करना है फिर आगे स्टॉप होना है या यहीं से स्टॉप हो जाना है। मैं चाहता हूं कि यहां तक एंट्री हो, तो एंट्री वाला पार्ट में पहले कर लेता हूं, तो एंट्री वाला पार्ट पहले हो गया। इसके बाद फिर मैं एक इफ लगाऊंगा कि इफ worksheets आई डॉट रेंज B1 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, हाँ ये इक्वल्स टू स्टॉप। और ये केस सेंसिटिव होता है, जो VBA का ये कंपेयर करते हैं ना, ये यहां पर स्मॉल में ही होना चाहिए तभी वो काम करेगा। तो केस सेंसिटिव होता है, आगे जाके हम लोग ये सीखेंगे कि केस सेंसिटिव को डिसेबल कैसे करना है। तो अभी ये समझते हैं कि अगर इससे बाहर, अगर ये स्टॉप आ गया देन, अब देन के नीचे लिखना या देन के साइड में लिखना, बताइए। हमने इफ जो पढ़ा था, देन देन के बाद नीचे होता है या नीचे? सर बिल्कुल, देन एग्जिट फॉर, फॉर से एग्जिट आ गया और फिर एंड इफ कर देंगे, डन। तो ये क्या करेगा, फॉर से बाहर आ जाए। अब फॉर से बाहर आने का मतलब क्या हो गया,
नेक्स्ट के बाद अगर कोई कोड लिखा रहेगा तो वो काम करेगा, क्योंकि ये लूप से बाहर आया, कोड से बाहर नहीं आया, लूप से बाहर। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं मैसेज बॉक्स दिखा देता हूं, मैसेज बॉक्स आप लोगों का आगे जाके है, मैं कर लेता हूं हेलो। अब देखिए क्या आएगा, ये उसके बाद हेलो रन करेगा, तो मैं जाता हूं इधर और करता हूं, देखिए हेलो कर गया, मतलब लूप से बाहर आ गया। अब मैं एक काम करके दिखा दूं, देखिए नाइन टेंथ में नहीं गया, इलेवेंथ में नहीं, मतलब टेंथ तक गया और उसके बाद ये हेलो या हाई कुछ भी लिखो ये आ गया, मतलब लूप से बाहर आया, कोड से बाहर नहीं आया। अब क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूं कि कोड से ही बाहर आ जाए, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो आगे कुछ नहीं करना मुझे, तो एग्जिट फॉर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एग्जिट सब, सब ओके, सब रूटीन से एग्जिट होगा। एंड सब होता है परमानेंट जाने के लिए और एग्जिट सब होता है बीच से निकल जाने के लिए, तो एग्जिट सब हो जाएगा। अब देखिए ये हाई भी नहीं चलेगा, कोड तो रन करेगा पूरा बट हाई वाला कोड ही नहीं आएगा, देखिए कुछ नहीं चल रहा क्योंकि ये यहीं से एग्जिट हो गया, इधर बढ़ने ही नहीं दिया गया ये। तो अभी फिलहाल हम एग्जिट फॉर करके रखते हैं, इसको बोलते हैं अर्ली एग्जिट स्टॉप लूप, इसे अर्ली एग्जिट स्टॉप लूप बोलते हैं कि कोई भी एक कंडीशन दे सकते हैं, यहां कंडीशन कुछ भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल लिया मात्र, और उसके बाद उसको एग्जिट फॉर कर सकते हैं ये है। तो इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल, अभी ये है अर्ली एग्जिट स्टॉप लूप। सो इस तरह से आप लूप को यूज कर सकते हैं विच इज फॉर लूप। तो ये है हमारा कुछ बेसिक लूप जो अभी तक हमने देखा है, दिस इज फॉर लूप। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे क्या करना है, मैं एक और शीट में करता हूं, इसे क्लोज करता हूं, मैं एक नया शीट लेता हूं, मुझे यहां पर 1 से लेके 10 तक सीरियल नंबर पॉपुलेट करना है, 1 से लेके 10 तक सीरियल नंबर पॉपुलेट करना है, बताइए कैसे करें, क्या लूप चलेगा, कैसे चलेगा बताइए। और चलेगा सर, तो डीम एक्स ले लेते हैं, बताइए। अब इसमें अब लूप चलाने से पहले आप सिर्फ ये देखिए कि हमें अगर फर्स्ट सेल में 1 अगर मुझे पॉपुलेट करना है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेल में 1 करेंगे तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, रेंज वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या सेल्स वाला, सेल्स वाला ब्रैकेट वन वाला, क्योंकि रो नंबर पास हो रहा है ना? तो सेल्स 1,1 इक्वल्स टू 1 होगा। अगर सेकंड सेल्स में 2 लिखना है तो सेल्स 2,1 इक्वल्स टू 2, फिर होगा सेल्स 3,1 इक्वल्स टू 3। अब पैटर्न देखिए तीनों में, बताइए क्या इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, सर इसमें 1,2,3 हो रहा है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और इधर वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रहा है सेम। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1,2,10, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे एक्स और इसमें भी कर देंगे एक्स, क्योंकि यहां पर भी तो सेम वैल्यू चाहिए, बस इसकी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कर दिए, हो गया सीरियल नंबर पॉपुलेट। देखिए अब इसको मैं एक एक करके पॉपुलेट कर रहा हूं, F8 मैंने बताया था, F8 1 by 1 आपको करेगा, देखिए देख रो बस खत्म, ये ज्यादा बढ़िया है सर, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या कर रहा है, लूप इस तरह से चल रहा है। अब मैं इसको अगर रन कराऊंगा तो ये ऐसे चल जाएगा, देखिए तुरंत ऐसे। तो आपको डिसाइड करना है कि जो आपका लूप चल रहा है वो किस में फिट बैठेगा, शीट्स के जगह पे होगा या सेल्स के जगह पे होगा या और कहीं पर होगा। तो सो ये है, ये चीज आपका ऐसे हो गया। अब क्या करना है, मुझे उल्टा चलना है, मतलब डेटा एंट्री ऐसे ही होगा बट लूप मुझे उल्टा चलाना है, पहले 10 हो फिर 9 हो फिर 8 हो। अभी क्या हो रहा है, 1,2,10 हो रहा है और मैं चाहता हूं 10,2,1 हो, ऐसे ही हो ऐसे ही बट वो चले नीचे से, बताइए। तो सीरियल नंबर रिवर्स, अब कर देंगे हम 10,2,1,2,1 बस बाकी सेम रहेगा। अब देखते हैं एक बार, चला ही नहीं कुछ, देखिए इस कोड में आ ही नहीं रहा है, देखो हाँ सीरियल नंबर ऑपरेट कर रहे उसमें भाग नहीं रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी हम उल्टा करते हैं तो आपको एक मैंडेटरी लिखना पड़ेगा स्टेप -1 या स्टेप ही दैट यस -1 करना पड़ेगा, सीधे के केस में लिखना होता है, उल्टे केस में लिखना पड़ेगा, देखिए अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं सर, बिकॉज बिल्कुल हुआ है, मैं बता देता हूँ ये
यहाँ पर हम सेकंड कॉलम कर देते हैं ना, यहाँ पर तो ऑलरेडी लिखा हुआ आपको पता भी नहीं चला। राइट, आप देखिए देख रहे हो आप उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप माइनस वन लिखना ही पड़ेगा। इसी को सर हॉरिजॉन्टल लिखना हो तो बस आप रो की जगह कॉलम को यूज कीजिए। यहाँ पर हमने रो को लूप चलाया ना, आप कॉलम पे लूप चलाइए, एक्स को इधर डाल दीजिए, खत्म। देखो यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, एक्स कॉमा वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन कॉमा एक्स, क्योंकि अब एक्स जो है आपका कॉलम। अब देखिए हो गया ना सर, ये इसने ऑटोमेटिक शीट टू में क्यों परफॉर्म किया, जबकि एक्टिव शीट हमने शीट का रेफरेंस नहीं दिया, तो जो सामने होगा वही होगा। ओके सर, तो यहां पर हमने कुछ लूप्स को देखा है जो आपके फॉर से रिलेटेड है। अभी हम लोग while और for each next class में करेंगे for loop। Let us suppose एक थोड़ा सा complex example करते हैं for का, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पर one populate करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर one करना है या यहाँ पर a करना है। मैं एक simple रखता हूँ, यहाँ a, यहाँ पर a और a, यहाँ पर a a a, यहाँ पर a a a a, ऐसे 10 बार जाना, मतलब 10 सेल तक आपको क्या करना है, बढ़ाते जाना a का वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे सर टाइप बनाना, मतलब कैसे आएगा ए, इसको थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर देता हूं, इधर होगा ए एंड ए, इधर होगा ए ए ए, ऐसे 10 बार जाएगा नीचे तक। अब बताइए सब इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो करेंगे फॉर के अंदर फॉर, और एक करेंगे विदाउट फॉर, एक ही बार में, एक एक सिंगल फॉर में हो जाएगा। So, sub, let's say, fill A 10 times, ऐसे मैं लिख देता हूं, अब आप बताओ लूप कहां से कहां तक, कितने बार चलेगा, एक से लेके 10 तक, 10 तक बिल्कुल। So, deem I as integer, for I equals to 1 to 10। अब बताइए जब आपका आई वन होगा तो ए कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। आई जब टू होगा तो कितने कॉलम तक जाएगा, दो कॉलम तक। आई जब थ्री होगा तो थर्ड कॉलम तक जाएगा। यहाँ पर हम लूप चला सकते हैं, यस सो आई को सर इंक्रीमेंट कर देंगे, बिल्कुल, डीम जे एज इंटीजर। अब आप बताओ जे कहाँ तक जाएगा, जब I 1 होगा तो J कहां तक जाएगा, एक तक ही जाएगा। जब I 2 होगा तो J कहां तक जाएगा, 2 तक, 2 तक। जब 3 होगा तो J 3 तक जाएगा, मतलब for के अंदर एक और for J equals to 1 to I तक ही तो जाएगा ना, जो अभी हमने बोला। यस सर, ये देखिए अब करते हैं सेल्स, I रो के लिए लिया है और J के लिए कॉलम, इक्वल्स टू A, खत्म। अब देखिए चलाता हूं, इसको एक बार हटा देता हूं, देखिए ऐसे चलेगा, इसको रन कर देता हूं, ये हो गया पूरा। देखिए लॉजिक समझते हैं, एक से लेके 10 तक लूप चल रहा है, ये तो क्लियर है। यस सर, जब फर्स्ट रो है तो डेटा कहां तक जा रहा है, किस कॉलम तक, एक ही कॉलम तक जाएगा। जब सेकंड रो है तो दो कॉलम तक जाएगा, जब थर्ड है तो तीन कॉलम तक जाएगा, जब एक्स है तो एक्स कॉलम तक जाएगा, क्लियर है। जब एक्स है तो एक्स कॉलम तक जाएगा, तो जब जे है, जब आई है तो कब तक जाएगा, आई कॉलम तक। तो हमने क्या कर लिया, एक और वेरिएबल ले लिया जो वन से स्टार्ट होगा और जाएगा कहां तक, जो रो का वैल्यू है वहां तक जाएगा, और फिर पुट कर दिया वैल्यू, क्योंकि जब फिफ्थ रो होगा तो फिफ्थ तक चलेगा, फाइव तक चलेगा, जब सेवेंथ रो होगा तो एक से लेकर सात तक डेटा फिल होगा। ये अब अगर इसको बिना लूप से करें, विदाउट लूप, तो कैसे करेंगे, देखिए हमने डेटा एंट्री वाले क्लास में देखा था रेंज को हम कैसे रेफर कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, उस वाले फाइल को ओपन करता हूं मैं आपको।
एक मैंने आपको दिखाया था ये वाला कंसेप्ट रेंज को, देखिए ये वाला रो कॉमा कॉलम, रो कॉमा कॉलम, रेंज 1.1 से स्टार्ट होगा और 5.2 तक चलेगा। अब देखिए इसको अगर इस तरह से करें तो कैसे होगा, ये 1 से लेके 10 तक तो चलेगा ही। अब देखिए रेंज इसके अंदर में सेल्स डालते हैं, तो स्टार्ट रो क्या होगा, सेल्स का रो क्या होगा, रो रहेगा आई और कॉलम रहेगा 1, ये तो क्लियर है। आई से स्टार्ट होगा कॉलम 1 तक चले, 1 कॉलम से स्टार्ट होगा और चलेगा कहां तक, किस रो तक जाएगा, सेम रो में कॉलम किस तक जाएगा, कॉलम जाएगा आई तक। बस इक्वल्स टू ए खत्म। अब देखिए एक बार इसको करते देखा आपने, ये भी कर सकते मतलब लॉजिक है अपने हिसाब से, कोई भी लॉजिक, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही लगाना है आपको, जहां जो सूट बैठता है, जहां सेट हो रहा है डेटा आपका वहीं लगा दिया। देखिए कोशिश कीजिएगा बिना लूप से करने का हमेशा, अगर बिना लूप से अगर आपने कोई सॉल्यूशन दे दिया तो वो ज्यादा फास्ट काम करे, क्योंकि इसमें कितने बार चल रहा है, इसमें 10 × आप समझ लो मल्टीपल बार चल रहा है, इसमें कितने बार लूप चल रहा है पता है, ये चल रहा है 55 बार लूप इसमें अगर लूप से करेंगे, और इसमें कितने बार लूप चल रहा है बताइए, 10 बार चले थे, 10 बार इसमें 55 बार चल रहा है, इसमें 10 बार चल रहा है, तो फास्ट तो होना ही है ना। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो आपका लूप है अगर लूप के विदाउट कोई ऑप्शन बन जाता है तो उसको यूज कीजिए, लूप बहुत काम का चीज है, बट देख लीजिएगा जहां लूप की जरूरत ना हो वहां लूप मत लगाइए, लूप को लूप के जगह पे यूज करना चाहिए, नहीं तो वो स्लो काम कर जाएगा। तो यहां तक हमने देखा कि किस तरह से भी लूप का और एक्सरसाइज होगा, नेक्स्ट क्लास में हम व्हाइल करेंगे, व्हाइल के साथ फॉर इच भी हो जाएगा, और फिर एक क्लास और होगा आपका जिसमें हम 5 या 6 एक्सरसाइज करेंगे और वो देखेंगे कि तीनों लूप में से कौन से लूप से वो हो सकता है, तो 6 एक्सरसाइज को अलग अलग लूप में देखेंगे, मतलब सेम काम को हम तीनों लूप से करेंगे, तो ऐसे 6 एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें हम तीनों लूप से करेंगे, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा इजी बैठेगा किस सिचुएशन में। इस चीज को हम व्हाइल से भी कर सकते हैं, इस चीज को हम फॉर इच से भी कर सकते हैं, सेम काम जो अभी मैंने किया है, बट तीनों में से इजी कौन सा होगा वो तीनों लूप करने के बाद आपको पता चलेगा कौन सा इजी होगा ये काम को करने के लिए। ये अब देखिए इफ से एक बार कर सकते हैं, इफ में क्या कर सकते हैं, एक और लूप ले सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि लेट अस सी करते हैं एक बार। अब देखिए यहां पर मेरे पास मान लीजिए यहां पर डेटा लिखा हुआ है, कुछ डेटा है, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से एक्सेल वर्ड, एक्सेल पीपीटी या पावर पॉइंट लिख लेते हैं, एक्सेल वर्ड, एक्सेल पावर पॉइंट, एक्सेल वर्ड, पावर पॉइंट, ये 15 डेटा है, एग्जांपल लेते हैं, सो पावर पॉइंट मुझे क्या करना है कि अगर इधर एक्सेल लिखा हुआ है तो मुझे यहां पर करना है गुड या हेलो, और या ऐसे कर सकते हैं लेट से अगर एक्सेल लिखा हुआ है तो यहां मेट लिखना है, और अगर यहां पर एक्सेल के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो नॉट मेट लिखना है, सिंपल ये करना है। So deem I as integer for
I equals to 1 to 15, और अगर यहां पर ऊपर में हेडर होता तो फिर 2 से स्टार्ट होता, या हेडर कर ही देता हूं मैं, यहां पर हो गया लेट्स से एप्लीकेशन और यहां पर हो गया स्टेटस। तो आपको क्या करना है, अब लूप बताइए कहां से होगा, 2 से स्टार्ट होगा 2 से 16, ठीक है। नाउ सो इफ सेल्स आई कॉमा 1 इक्वल्स टू एक्सेल, अगर एक्सेल है देन सेल्स I कॉमा 2 हो जाएगा सेकेंड कॉलम इक्वल्स टू मेट, एल्स सेल्स I कॉमा 2 इक्वल्स टू नॉट मेट। चलिए सो अब यहां पर नॉट मेट हो गया तो ये मेरा कंडीशन चेक हो गया, लेट अस सी। अब देखिए इसको चलाता हूं मैं, डन। ये देखिए अभी लूप जो मैंने बताया ना, ये आप समझ लो मात्र 10% यूज बताया लूप का, जब हम लोग लास्ट क्लास तक करेंगे तो आपको 100% यूज समझ में आ जाएगा कि लूप में हम और क्या कर सकते हैं। लूप में ये भी कर सकते हैं कि एक फोल्डर में मल्टीपल फाइल से वहां जाना है, लूप में हम ये भी कर सकते हैं कि एक फाइल में मल्टीपल सीट से वहां जाना है, लूप में ये भी कर सकते हैं कि मल्टीपल फाइल्स के मल्टीपल सीट्स हैं वहां जाना है। तो कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए छोटा सिचुएशन है तो 10 लाइन का कोड बनेगा, थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है तो 100 लाइन का बनेगा, और एकदम मतलब अल्टीमेट वाला कंडीशन है तो 1000 लाइन का कोड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप जिसमें कुछ चीज और क्लियर होगा, फिर देखेंगे फॉर ईच, तो तीनों लूप क्लियर हो जाएगा, फिर एक क्लास और करेंगे जहां पर एक ही एग्जांपल में तीनों लूप को यूज करेंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि लूप क्या है। बस उसके बाद फिर आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और लूप को यूज करेंगे, यही चीज है। आगे जाके हम ये भी देखेंगे, आपने जो क्वेश्चन अभी पूछा था उसको बोलते हैं इवेंट प्रोग्रामिंग, इवेंट प्रोग्रामिंग या इवेंट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि कुछ भी, देखिए आप यहां पर लिख रहे हो, लिख के कुछ तो करोगे, लिख के एंटर तो प्रेस करेंगे ना हम, या लिखना लिख के छोड़ देंगे, लिख के तो कुछ तो करेंगे। तो मैं वहां पर कोड लिख दूंगा कि जब भी एंटर प्रेस हो लिखने के बाद तो मेरा ये कोड चल जाए जो मैंने अभी लिखा है, खत्म। जी जी, बोलते इवेंट प्रोग्राम वो करेंगे, धीरे 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 करेंगे। तो इस लूप को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा अभी, और नेक्स्ट क्लास में हम फॉर के एडवांस एग्जाम्पल देखेंगे, अभी फॉर कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर का एडवांस एग्जाम्पल, फिर हम देखेंगे व्हाइल लूप। तो अभी आपका 2-3-4 क्लासेस इसी पे चलेगा और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।